उपचुनाव की जीत के लिए पाल काकरिया गांव में बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की आम सभा हुई, जहां ग्रामीणों का जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान रतनखेड़ी से सुरेश पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सभा में कांग्रेस का झंडा लेकर ग्रामीण पहुंचे और प्रेमचंद गुड्डू के पक्ष में नारेबाजी की। पटेल ने कहा कि सांवेर क्षेत्र में किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस सरकार में हुई थी, लेकिन भाजपा के राज में हर वर्ग परेशान है। इसी तरह सांवेर के कई गांव से किसानों ने भाजपा को जमकर आड़े हाथ लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के भी आए हैं और वो अपनी बात रखने आए थे। आज जो हजारों हजार जनता आप लोगों ने देखा कि सड़कों पे निकले हुए नौजवानों के मन में पूरी तरीके से बदलाव की बाहर बह रही है और पूरी कॉन्स्टिटेंसी जो हमारी है और पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये जलवा आपने यहाँ पे देखा हुआ क्या होगा। ये बसों में लाई हुई भीड़, किराए की लाई हुई भीड़ नहीं, सो मोटो चल के लोग आए हैं, तो इससे पूरा बदलाव एक तरफा दिख रहा है। नहीं, लगातार ये सरकार प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। शराब खुलेआम बांटी जा रही है, अवैध शराब के ट्रक को उतर रहे हैं, उनको जानकारी दी जा रही है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ साथ ही तमाम सारे अब कल से पोस्टल बैलेट शुरू हो गए हैं, लेकिन आज तारीख तक वोटर लिस्ट नहीं दी गई है। जब वोटर लिस्ट नहीं आएगी तो मतदान किस बात का, पूरा हंसी मजाक बना दिया इस चुनाव को इस सरकार में। लेकिन फिर भी हम लोग हजारों वोटों से ये चुनाव जीत रहे हैं कि चाहे जितनी बदमाशी करें इनको बदमाशी में सफल नहीं होने देंगे। आपने कौन से गाँव से आए और किस तरह का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है? हम कमलनाथ जी की सभा में ग्राम रतनखेड़ी से आए हैं, पिपलिया कास्त पंचायत से। हम इसलिए आए हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता सब दुखी है। कमलनाथ जी की सरकार में सब किसान भाई, सब वर्ग के जनता सुखी थी। जब मनमोहन सिंह जाने के बाद में 18 साल की बच्चियां हमारी रहती थी, उनकी शादी किसी की भी नहीं हुई टेम पे, लगन पे। एक दिन पहला शादी करो उनकी लगन फेरा, या दो दिन पहला कोई पुलिस वाला आ जाए तो उनको पैसे दो, 5-50 हज़ार, 1 लाख तो निपटारा होता है। ये कानून आज से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से। कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद में किसी भी कन्या का शादी हुई, किसी कन्या की शादी में पुलिस नहीं आई है, तो फिर कौन सी बीजेपी वाली बात कर रही है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला रहे हैं। और अभी कल परसों आए थे यहाँ सिराज जी, उससे 6 गुना पब्लिक है यहाँ पे और नए युग लड़के हैं सब, और वो कहते हैं पढ़ाई करो मैं कंप्यूटर रहता हूँ। कमलनाथ जी ने बंद कर दिया कंप्यूटर, से क्या करेंगे, इनको नौकरी चाहिए और किसानों को भाव चाहिए। आपका नाम बताइए। और 2014 से पहले 1 क्विंटल सोयाबीन 5,000 की बिकती थी और 48 रुपया डीजल, 48 रुपया डीजल था, 1 क्विंटल में 100 लीटर डीजल आता था। आज मेरे को भाव चाहिए 100 लीटर का 1 क्विंटल सोयाबीन पे। और गैस सिलेंडर टंकी 350 रुपया में आती थी और 5,000-4,500 सोयाबीन बिकती थी तो 14-15 गैस की टंकी आती थी। कौन से गरीब के, किसी भी गरीब या अमीर के 10 टंकी गायब हो, 4 टंकी आती है 1 क्विंटल सोयाबीन में। आपका नाम बताइए। सुरेश पटेल, रतनखेड़ी।